नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 2023 वर्ष के जुलाई महीने की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने लोथल गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया है। 4,500 रुपये की अनुमानित लागत वाले इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का लक्ष्य एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित करना है जो प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत की समुद्री विरासत पर प्रकाश डालती है। भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रणनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के धारगांव में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंकिंग परमिट को रद्द करने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हालांकि बाद के कदम में RBI ने संस्था को एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस प्रदान किया, जिससे उसे अपना ऑपरेशन सेल बैंकिंग जारी रखने की अनुमति मिल गई। सरकार ने जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए चुनिंदा सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की घोषणा की है। भारत सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एलिजिबल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को लागू करने और संचालित करने के लिए ऑथराइज किया है। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेट यूनिट ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार प्राकृतिक आर्क की खोज की है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स में लीडर के रूप में अपना स्थान रिक्लेम कर लिया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण में मामूली वृद्धि देखी गई है, जो मार्च 2023 के अंत में 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 1 जुलाई को GST इंप्लीमेंटेशन की 6th एनिवर्सरी पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के कटौती की घोषणा की। भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत और भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में व्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल को 9 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की। गुजरात में ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है, जो देश के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नवनियुक्त नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नामित किया है। भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 के लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क की अधिसूचित करके भारत का पहला कार्बन बाजार स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए 2000 से अधिक पेटेंट के अधिग्रहण के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस के लॉन्च के दौरान संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने विशाल क्षेत्र पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का फास्ट डिटेक्ट लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। देश के सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कामेश्वर राव कोदावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। स्वर्णिमा स्कीम पिछड़े वर्गों की महिला एंटरप्रेन्योर्स के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू की गई एक टर्म लोन योजना है।
गुजरात के मेहसाना के बोरियाबी गांव में श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर समिट गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पछाड़कर भारत के सबसे अधिक माइक्रो लैंडिंग वाला राज्य बन गया है। अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पिरामल फाइनेंस ने कोची के सब अर्बन एरिया त्रिपुनिथुरा में मेट्री नामक अपनी पहली पूर्ण महिला शाखा खोलकर वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूके स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप्स में से एक लायंस बैंकिंग ग्रुप ने सिरिसा वरुगंटी को भारत के हैदराबाद स्थित अपने नए लायंस टेक्नोलॉजी सेंटर का मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपये के उपयोग करके किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने PNB मेटावर्स के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। ग्राहक अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से बैंक जमा, ऋण, डिजिटल उत्पाद और सरकारी योजनाओं जैसे विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का पता लगा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पी वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेविगेशन अनुप्रयोगों और सेवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेंगलुरु स्थित कंपनी एलेना जियो सिस्टम ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंडहेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है। 3 दिवसीय सरसतवा ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन 6 जुलाई को कोलंबो में शुरू हुआ। सम्मेलन में भारत और श्रीलंका के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एक साथ आए, जो वैल्यूएबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और ट्रेवल इंडस्ट्री में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत के केरल के आलापुझा जिले में एक 15 वर्षीय लड़के की नेग्रेलिया फाउलेरी के कारण होने वाले एक दुर्लभ संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। इसे आमतौर पर दिमाग खाने वाला एमीबा के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पास ही जलधारा में नहाते समय वह एमीबा की चपेट में आ गया, जो संभावित संक्रमण का सोर्स है। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर को दुगना करने, अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ देखभाल पहुंच में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में टमाटर किसानों ने इस साल की शुरुआत में अपनी पैदावार में गिरावट के लिए 2 अलग अलग वायरस को जिम्मेदार ठहराया है। स्पोर्ट्स गियर कंपनी एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सद्भावना ट्रस्ट का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है, जो दलित और मुस्लिम महिलाओं एम्पावरमेंट के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 2 विकास रोवर ने संचालित करने के बाद अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने जा रहे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हाल ही में अपनी एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनकर इतिहास रच दिया है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में भारत UAE के अल-ऐन में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में समग्र विजेता के रूप में उभरा है। राज्य कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें कुई भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा तमिलनाडु में पहले फ्लाइंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की हालिया मंजूरी के साथ भारत के विमानन परिदृश्य में शिक्षा और महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ओब्रादेश थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। 800 मेगावाट की क्षमता वाली इन परियोजनाओं का लक्ष्य बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करना और राज्य के लोगों को सस्ती बिजली प्रदान करना है।
तेलंगाना के चीफ जस्टिस उज्जवल भुइयां और केरल के चीफ जस्टिस एस वेंकटराया भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में नियुक्त किया गया है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में खुद को भारत के शीर्ष 20 सीपीएससी में एक के रूप में स्थापित किया है। केंद्र ने हाल ही में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए आय मानदंड को एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। किफायती आवास की पात्रता और पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी। भारत ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पारंपरिक दवाओं और एशियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने चंद्रमा पर अपना एम्बिशियस चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम ने गजा कोथा अभियान शुरू किया है, जिसमें 1200 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और सह अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने $100 अरब के बाजार पूंजीकरण क्लब में प्रवेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आबूधाबी में पहला IIT दिल्ली परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और आबूधाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि यह 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। जम्मू कश्मीर ने छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए 17 जुलाई को सुरन कोट तहसील के सिंदारा और मेदाना के ऑपरेशन ट्रिनेटर 2 लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल CRCS का आधिकारिक उद्घाटन किया। भारत रेलवे ने जनरल कोच के यात्रियों को किफायती मूल्य पर 20 रुपये की किफायती भोजन और 200 मिलीलीटर की पानी की गिलास के साथ 50 रुपये में नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी इनिशिएटिव की है। भारत की रत्न राजधानी सूरत गुजरात की सूरत वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड वर्ल्ड्स की मेजबानी करने संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे छोड़ दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स के सहायक कंपनी रिलायंस ब्रदर्स लिमिटेड अभिनेता आलिया भट्ट के किड्सवेयर ब्रांड एड ए मामा का अनुमानित मूल्य 300 से 350 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की करीब है। वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड ने हाल ही में 800 करोड़ रुपए मूल्य की रक्षा अनुबंध हासिल करने का खुलासा किया। इन अनुबंधों में अगले 12 महीनों के भीतर भारतीय सेना के विशेष 4x4 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर और 6x6 गन टोइंग वाहनों की आपूर्ति शामिल है। अपर्याप्त पूंजी और कमाई की खराब संभावनाओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय किया है। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाले जैगुआर लैंड रोवर ने एडियन मॉडल को 3 साल को कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ओडिशा के नवीन पटनायक रविवार को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लोकेश एम ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की। राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के ने 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पहले वाटर ATM का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य पाइप आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में पानी की पहुंच प्रदान करना और पानी के टैंकरों पर निर्भरता कम करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। भारत ने हाल ही में पृथ्वी पर 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों को संरक्षण के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। IBCA
बाघ, शेर, तेंदुआ, स्नो लियोपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता सहित प्रमुख बड़ी बिल्लियों प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देश की शहीद बहादुरों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त को मेलबोर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के उभरते बेसिक सुपरस्टार पुरस्कार में सम्मानित किया जाएगा। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी एजी ने गर्नोट डालनर को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने फलों और सब्जियों की खरीद के लिए सुपरमार्केट में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पतले प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बनकर प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रवासन से निपटने में अध्याय मतभेदों के कारण 10 प्रधानमंत्री मार्क रूटे गठबंधन सरकार गिर गई। कई दिनों की संकट वार्ता के बाद चार दलीय गठबंधन किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहा। नेदरलैंड के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता रुटे ने एक संवाददाता सम्मेलन में पतन की घोषणा की और राजा को अपना लिखित इस्तीफा सौंपा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ओजोन परत पर एक अद्यतन बुलेटिन प्रकाशित किया है जो सुधार के आशाजनक संकेतों का संकेत देता है। रक्षा संबंधी जानकारी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल है। रूस और चीन क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर है जबकि भारत चौथे स्थान पर है। दक्षिण चीन सागर में तूफान तालिम की उत्पत्ति देखी गई जिसके कारण हांगकांग, वियतनाम और दक्षिणी चीन को अपने आपदा शमन उपायों को सक्रिय करना पड़ा। एक निजी चीनी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट जुके 2 नामक कक्षा को लॉन्च किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व करने के लिए एडमिरल लिसा फ्रेंसेटी को नामित किया है। एलन मास्क की अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स ने LC-39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा US के दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया। भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान के निगाता विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों ने हिमालय की चट्टानों के पानी की बूंदे खोजकर एक अभूतपूर्व खोज की है। माना जाता है कि यह पानी के बूंदे एक प्राचीन महासागर से है जो लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकप्रिय फंटासी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन ने कथित तौर पर बाइजो की जगह जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में कार्यभार संभाला है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लार्सन डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। स्टार भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान लगी मांसपेशियों की चोट से उभरकर वापसी कर रही है। कोरिया गणराज्य के बुसान में दोंगवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत विजयी हुआ। उसने ईरान को 42-32 के स्कोर से हराया। मौजूदा फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन ने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 में शानदार जीत हासिल करके अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा। युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल ने महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अजय अग्रवाल को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कुवैत के खिलाफ रोमांचित पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल की और बेंगलुरु के श्री कंठीरावा स्टेडियम में साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब हासिल किया है। बांग्लादेश का वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने टीम के भारत में वनडे विश्व कप अभियान शुरू होने से 3 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने की घोषणा की। आईसीसी विश्व कप 2023 का शेड्यूल आईसीसी ने जारी कर दिया है।
2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी। 65.41 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो के साथ अजीत सिंह ने पेरिस के पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के अनुमानित लागत की भारी वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट गया है। भारत ने बैंकॉक थाईलैंड में हाल ही में संपन्न 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज सहित 27 पदकों की प्रभावशाली तालिका के साथ भारत ने चीन और जापान के बाद कुल मिलाकर 3रे स्थान हासिल किया। 17 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगानंद ने सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 में प्रभावशाली 6.5 अंक हासिल करते हुए उल्लेखनीय जीत हासिल की। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इतिहास के 10वें क्रिकेटर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड के स्टुअर्ट टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंदौर के बुले बहने निधि और ऋतिका बुले उन 4 महिला क्रिकेटरों में से है जिन्होंने BCCI एम्पायरों के पैनल में विशेषता के साथ अपनी जगह बनाई है। त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अस्मिता दे ने चीन के मकाओ में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इंग्लैंड के टेस्ट गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। धन्यवाद।